युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है। अब से कुछ ही देर में तेल अभी पहुंचेंगे जो बाइडेन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। युद्ध के हालातों के बीच अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी और ये युद्ध में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, अब से चार दिन पहले से गाजा स्ट्रिप की घेराबंदी अपने सैनिकों की ओर से इजराइल कर चुका है, कई सारे टैंक्स तैनात हो चुके हैं, लेकिन अंदर जाकर हमला नहीं किया गया, ग्राउंड अटैक नहीं किया गया। उसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं तो उसके बाद हो सकता है कि इस युद्ध को लेकर रणनीति आगे तय की जाए, उसके बाद हो सकता है ये फैसला ले कि करना है हमला या फिर नहीं करना है, क्योंकि जो बाइडेन कह रहे हैं इस पर कब्जा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये लाइव तस्वीरें तेल अवीव की लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देखें आपसे कुछ ही देर में जो बाइडेन पहुंच सकते हैं। और तमाम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता युद्ध भूमि से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये कितना बड़ा अपडेट है, अब से कुछ ही देर में जो बाइडेन वहां पर पहुंच रहे हैं, ये युद्ध को कैसे प्रभावित करने वाला है अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा? पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय टाइम्स ऑफ भारत ही सिर्फ भारत का एक चैनल है जो उस होटल के अंदर है जहां पे जो बाइडेन आएंगे और वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो इंटरेक्ट करेंगे उन लोगों से भी जिनको होस्टेज लिया हुआ है। देखिए ये वो होटल है जहां जो बाइडेन आएंगे, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे फर्दर रणनीति उनकी क्या रहने जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तक यही वजह थी कि ग्राउंड असॉल्ट नहीं हो पाया। सिर्फ टाइम्स ऑफ भारत पर आपको ये तस्वीरें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम हैं। मैं अपने विजय सचिन रावत से कहूंगा कि एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पे आपको बाकी इलाके, मतलब जो हैं अंतर्राष्ट्रीय और भी जितने भी पत्रकार हैं, कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत की एक ही टीम जो इस समय उस होटल में है जहाँ पे जो बाइडेन आके मीटिंग करने वाले हैं। एक तो वो जो लोगों को बंदी बनाया उनके परिवारों से मिलेंगे, उसके अलावा उन लोगों से भी मिलेंगे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमास के अटैक में जो अक्टूबर 7 को हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ये अस्पताल पर अटैक हो जाता है उसके बाद से एक दूसरे पर ब्लेम गेम जो शुरू हो गया है। इसराइल का कहना है कि ये इस्लामिक जिहाद ग्रुप है जिन्होंने रॉकेट दागा था इसराइल के लोगों को निशाना बनाने के लिए, अपने लोग निशाना बन गए। वहीं दूसरी ओर फलस्तीन का कहना है कि ये इसराइल ने उनको टारगेट किया और बच्चों को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने उस एक्ट को जो जस्टिफाई करना चाहते हैं जो अक्टूबर 7 को हुआ है। यही एक वजह थी कि लगातार इसराइल कह रहा था कि जो फलस्तीनी वहाँ पर गाजा में है वो वहाँ से चले जाएँ, लेकिन हमास के लोग उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते नहीं थे कि वो वहाँ से गुजरे, क्योंकि उन्हें अपनी ढाल बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई प्यार तो उनको मोहब्बत है नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस तरह से ये जो अस्पताल में मारे गए हैं लोग, वो चाहेंगे यही बोलना लोगों से, क्योंकि अभी तो ड्रोन फुटेज भी आ चुकी है सामने जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस वालों ने दिखाई हुई है। उस ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अटैक से पहले के हालात और उसके बाद अस्पताल में जब आग लग जाती है।